हाय फूडीज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इट स्ट्रीट कोलकाता में। तो आज हम जो जगह जा रहे हैं वो जगह बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि वहाँ कॉम्बो मिल रहा है ओनली 142 रुपीज़ में, इतना सारा खाने का चीज़। तो चलिए वहीं चलते हैं, कम ऑन लेट्स ईट। मैं आया हूँ गिरीश पार्क आउटलेट में, ये जस्ट गिरीश पार्क के सामने पड़ता है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लोकेशन दे दूँगा। सो फूडीज, देखिए यहाँ मेरा मील रेडी हो रहा है। और ये देखिए, मतलब ये सब आपके आँख के सामने होगा, सब कुछ फ्रेश है यहाँ पर, कुछ भी स्टॉक वाला नहीं है। ये देखिए आँख के सामने आपका सब कुछ हो रहा है। ये डाल रहे हैं ये चटनी, ग्रीन चटनी, जो पुदीना और धनिया की है शायद। इसके बाद देखिए क्या डालते हैं ये, यहाँ ये रेड चटनी। बहुत की घड़ी ख़त्म गाइस, मुझे मेरा मील मिल गया है। ये देखिए 142 रुपीस में कमाल का कॉम्बो है बॉस। ये देखिए मेरा बर्गर, इसमें देखिए स्टफिंग्स, दो फ्राइड मोमो हैं, और देखिए चटनी है, ये सब मेयोनीज, ये स्टीम मोमो, और ये मेरा पेप्सी। बाकी आपको बताता हूँ ये कैसा टेस्ट में है। ये देखिए मैं ट्राई करता हूँ एक बाइट। ऑसम, इसका मतलब टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, मतलब बहुत टैंगी है। इसका अंदर जो फ्राइड मोमो है बहुत टेम्पटिंग है, बहुत जूसी है, स्पाइस से भरा हुआ है। ये मेयोनीज, ये सॉसेज वॉसेज ज़बरदस्त है, बहुत एकदम नेक्स्ट लेवल है। मैं ट्राई करता हूँ ये स्टीम मोमो, ये हरी चटनी के साथ में। ठीक है, ऑसम, ये भी ऑसम है,
ये हरी चटनी उतना मुझे बेटर नहीं लग रहा है, बट ये रेड सॉस बेटर है। ये मैं ट्राई करता हूँ एक और, नेक्स्ट लेवल, मतलब माउथ मेल्टिंग है। हर बाइट में स्टफिंग देखी, कितना चिकन लोडेड है इसमें, मतलब फुल्ली पैसा वसूल है बॉस। मैं ट्राई करता हूँ अपना ये पेप्सी, दिखता हूँ, ज़बरदस्त है। 142 रुपीज़ में इतना सब कुछ, ऑसम है बॉस, ऑसम, फुल्ली पैसा वसूल। कंप्लीट कर लिया है और ये देखिए बिल, 142 रुपीज़ में इतना सब कुछ, मतलब फुल्ली पैसा वसूल कॉम्बो है ये गाइस। आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। गाइस, आज का लेसन ये है कि अगर आपका खाना बचता है तो प्लीज़ उसे यहाँ वहाँ फेंके नहीं, उसे एक अच्छी जगह में, एक अच्छा पॉली या एक अच्छा कागज़ का कपड़ा में या कोई भी चीज़ में उसे रख के साइड में दे, क्योंकि कोई गरीब खा ले या कोई जानवर खा ले। ऐसे खाना को नाली वाली में फेंक के वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका फेंका हुआ खाना किसी गरीब का पेट भरता है तो ईश्वर आपको उसका सवाब देगा। सो प्लीज़ गाइस, खाना वेस्ट ना करें, इस खाने की बहुत ज़रूरत किसी और को रहती है। सो प्लीज़ अगर आपका खाना बचे तो फेंके ना, साइड में रख दे, किसी गरीब को दे दे या कोई जानवर खिला दे, क्योंकि आप ही का खाना किसी इंसान को लगेगा उसके लिए अच्छा। तक के लिए स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी और सबकी भलाई करें, अपने आसपास में सफाई करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।